हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वेब टेक इन दैप चैनल। ये हमारा फॉन्ट ऑसम का फोर्थ ट्यूटोरियल है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम फॉन्ट ऑसम आइकन्स को लिस्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉन्ट ऑसम ने कुछ क्लासेस डिफाइन कर रखी है, जिसकी हेल्प से हम इसे इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिएट करते हैं एक न्यू फाइल, सेव करते हैं इसे अपने फॉन्ट ऑसम ट्यूटोरियल के अंदर। मैं नाम दे देता हूँ आइकन्स इन अ लिस्ट डॉट html। सबसे पहले लिख लेते हैं html का बेसिक कोड, टाइटल चेंज कर देते हैं आइकन्स इन अ लिस्ट। देन हमें लिंक करना होगा cdn, तो कॉपी कर लेते हैं अपने पिछले ट्यूटोरियल से फॉन्ट ऑसम का cdn। ओके, पेस्ट कर दिया हमने। चूंकि हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं फॉन्ट ऑसम आइकन्स को लिस्ट में, तो सबसे पहले हमें क्रिएट करनी होगी लिस्ट। मैं यहाँ अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले लिस्ट में html, देन सेकेंड में css, थर्ड में js एंड फोर्थ में मैं लिख देता हूँ bootstrap। ओके, सेव करते हैं और रन करते हैं अपने आइकन्स इन अ लिस्ट फाइल को, जो कि हमने यहाँ रखा है। ओके, ये देख सकते हैं आप html, css, js एंड bootstrap हमने फोर लिखा था। चलिए, तो ul के अंदर थ्री वैल्यूज होती थी टाइप की, टाइप प्रॉपर्टीज़ की। जैसे पहली हो गई डिस, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। देन मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ सर्कल, और रिफ्रेश करके दिखाते हैं अपने ब्राउज़र को। ये देखिए, यहाँ सर्कल आ चुका है। देन सर्कल के अलावा एक वैल्यू होती थी हमारे पास स्क्वायर। सेव करते हैं और रिफ्रेश करके दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए स्क्वायर। इसके अलावा हम और कोई आइकन्स नहीं यूज कर पाते थे, बट हम फॉन्ट ऑसम की हेल्प से कोई भी आइकन यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ul में आपको लगाना होगा क्लास, जिसकी वैल्यू आपको लिखनी होगी फा ul। देन लिस्ट के अंदर, लिस्ट टैग के अंदर आपको लगाना है स्पैन टैग, और स्पैन में भी क्लास लगानी है आपको फा li। देन आपको स्पैन के अंदर यूज करना है i टैग, देन क्लास, और जो भी आइकन यूज करना चाहें आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दे दिया फास्ट फॉर होम, होम के लिए। ओके, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसे। चलिए, मैं पहले सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ क्या हुआ। ये देखिए, यहाँ आइकन आ चुका है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से सभी में हम कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसे, इतने को, इस पेन को कॉपी किया हमने, पेस्ट किया यहाँ जेएस में भी एंड बूटस्ट्रैप में भी। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, यहाँ आइकन आ चुका है। और कोई आइकन यूज़ कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ चाहिए हमें फ्री आइकन्स, तो हमें क्लिक कर लेना है फ्री पे। देन हमें सॉलिड चाहिए, तो सॉलिड पे क्लिक कर लेते हैं, कोई भी आइकन ले लेते हैं। और मैं ले लेता हूँ ये आइकन, मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। देन आपको सॉलिड है तो प्रीफिक्स फास ही लगेगा, यहाँ फास लगा है फा, एंड देन यहाँ पेस्ट कर देना आपको होम की जगह। कॉपी नहीं हुआ लगता है, मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ कोई आइकन। मैं एप्पल को कॉपी कर लेता हूँ, एप्पल आल्ट कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर देते हैं होम की जगह। ये देखिए पेस्ट हो गया। सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ एप्पल आ गया। और भी कोई आइकन अगर आप यूज करना चाहें, जैसे ये बहाई, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं होम के पास। ओके, अगर आप रेगुलर आइकन यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ से अनचेक करिए सॉलिड को। रेगुलर भी कुछ फ्री होते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं रेगुलर आइकन पे। ओके, वेट करते हैं थोड़ा, यहाँ रेगुलर आइकन लोड होगा अभी। ये देखिए, कोई आइकन यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ रेगुलर में। ये देखिए, मैं स्टार यूज़ कर लेता हूँ यहाँ। स्टार मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहाँ होम पे। चूंकि ये रेगुलर आइकन है, तो रेगुलर के लिए प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं फार। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र को। ये देखिए, रन हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने कोई भी आइकन्स को लिस्ट में यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।